सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला से ये है कि हमारा मैटर चल रहा था पहले प्रधान से, और उसमें आलोक भी आ गए, मारपीट की हमारी, और वो चौकी इंचार्ज जी हैं वो मतलब हमारे विवेचना कर रहे हैं हमारे केस की, तो उन्होंने तब्दील सही नहीं की, डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं लगाई, और वो भी इतनी गंदी गंदी बात करते हैं कि हम कह नहीं जा रहे, उन्होंने भी दोनों लोगों ने की, अब चौकी इंचार्ज भी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप लेट होगी नहीं तो हम तुम्हारा काम सही से नहीं करेंगे, और हम ये DAG में लिख के भेज देंगे कि ये महिला कुछ करना नहीं चाहती है, अपने साथ लेटने की, कह दे कब आओगे मेरे यार चारपाई पे लेट जाओ, हमारा समय नहीं कट रहा है, कब जान मेरी सोगी, ऐसे ऐसे कहते हैं तुम्हारी, तो 3 बेटियां हैं, तुमको लड़का भी हम देंगे, जब तुम सही सलामत हो जाओ तो हमारे पास आ जाना, जब पीरियड हो जाओ, ऐसी ऐसी बात करते हैं, हमारे में वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, ऐसी बात नहीं, और बहुत सारी सारी गंदी बात करते हैं, हम तो अब कुछ कहने के काबिल नहीं है, हम क्या कहें। अपने राजीव है ठाकुर, ये चौकी खड़नी के, चौकी खड़नी के है, सौरिक थाना है। करी अभी आपने? हमने शिकायत तो यहाँ पे की SP से की यहाँ, और वहाँ दे आए वो CM को दे आए, हम सब वहाँ DM को दे आए, सबको दे आए, मतलब अभी कोई हमारी कार्रवाई सही सुनवाई नहीं हुई है, बहुत डर लग रहा है सर, हम तो हमारी तो जान का खतरा है, वो भी प्रधान भी धमकी देते हैं, आलोक तिवारी भी धमकी दे रहे हैं, अब तो चौकी इंचार्ज भी धमकी देने लगे हैं। इंचार्ज ने आपको फोन कब किया था, कितने बजे? 2 बजे भी किया है, 11 बजे किया है, जब मतलब रात ही में करते हैं, सुबह कभी नहीं करते, सुबह तो भी करते हैं जब कोई काम हो या बात हो तभी फ्रेश में, रात में बात करते हैं हमसे। इंचार्ज ने फोन किया तब क्या नशे की हालत में लग रहे थे? जी शराब पीते हैं, नशे की हालत में इतनी इतनी गंदी बातें करते हैं, शराब पी के करते हैं सर जी। सर एक पीड़ित महिला आई थी, उसके पास आईडिया, उसका दावा था कि चौकी इंचार्ज ने उसके साथ कुछ गलत बातें की हैं, आपने फोन करके क्या बताया सर? देखिए एक महिला है थाना सौरिक की, तो इनके द्वारा वहाँ के ग्राम प्रधान पे छेड़छाड़ और मारपीट और धमकाने का मुकदमा लिखाया गया है, इसकी जाँच जो एक चौकी प्रभारी हैं उनके द्वारा की जा रही है, और इसमें आज उस महिला के द्वारा एक आकर के शिकायत की गई है कि दरोगा जी ने हमारे साथ प्रॉपर तरीके से बात नहीं की, और इस तरह की शिकायत मिली है, और ये भी उन्होंने अनुरोध किया है कि अब इसकी जांच कहीं और से करा दी जाए, तो इस विवेचना की को हमने महिला SHO को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र कर दिया है, अग्रिम विवेचना महिला SHO के द्वारा होगी, और उनमें जो सब इंस्पेक्टर के खिलाफ जो शिकायत महिला द्वारा की गई है उसकी जाँच मैंने अपर पुलिस अधीक्षक को दे दिया, अभी जैसे ही रिपोर्ट मिलेगी मैं कार्रवाई करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।